1.5 सेंटीमीटर आप देर इंच तक इसे छोड़ दे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक जो डार्ट देना है आपको 0.75 और हाफ इंच आप दे सकती है इस जगह में आप। और यहाँ से जब किस तरीके से देना है, यहाँ से जब इस शेप देता है ये ऐसे करके हम लोग देते हैं, और यहाँ से हाफ इंच उठाना और उसके बाद इसे पॉइंट आउट करके ऐसे सीधा करना है, मगर देर इंच बाहर तक रहने देना है आपको। और उसी तरह डार्ट देना है, और ये डार्ट का मेजरमेंट कहाँ से आएगा, नीचे में से आप बढ़ा देंगे और ऊपर का हिस्सा बढ़ा देंगे, जैसे कि प्लेन कट में हम दिखाते थे। बस हो गया, ये 3 टेक्निक हो गया। तीनों तरफ से जो कटोरी होता है 3 डॉट वाला कटोरी ऐसा ही होता है, कुछ भी नहीं करना है। बेसिक तैयार होने के बाद आपको थोड़ा सा चेंजिंग देना है, यानी कि डार्ट जितना देंगे उसको 50 करना है और 50 इधर और 50 उधर आपको देना है, बस हो जाएगा। ठीक है, और एक टेक्निक क्या होता है फ्रेंड, मैं आपको दिखा रहा हूँ और एक तरीका दिखा रहा हूँ। और एक टेक्निक में दिखा रहा हूँ फ्रेंड, जैसे कि आप देख ही रहे हैं ये मैंने ड्रॉ किया है, ये देखिए ये बैक पार्ट मैंने ड्रॉ किया है और उसके बाद एक एस देकर मैंने ड्रॉ किया है और उसके बाद और एक एलिप्स देकर मैंने ड्रॉ किया है। तो क्या है, इस जगह का जो मेजरमेंट है वो तो हमें पता है, और जो फ्रंट का जो हिस्सा है वो हमें इतना हमें लेना है, जितना आप चाहे मेजरमेंट आप जितना चाहे, नहीं तो आपके पास अगर जो वो जो बाकी पार्ट होता है वो रखने से ही आपको इस जगह का मेजरमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस जगह का मेजरमेंट ये ऐसा है, ये मिल जाएगा आपको। तो चलिए मैं इतना सा ले, और क्या है फ्रेंड, आपको इधर का मेजरमेंट ये थोड़ा सा बाहर रखना है। ठीक है, और ऊपर में डबल ओवल रखना है इस जगह का, और इस जगह का जैसा है अब वैसा जिस तरीके से आप रखना चाहते हैं आप रखें। और क्या है, ये कटिंग करने का और एक तरीका, जैसे कि उसमें फ्री हैंड दिखा है और इसमें क्या है, आपको यहाँ से एलिट और यहाँ से एक पार्ट मिल जा रहा है आपको। तो इससे क्या है, आपको ड्राइंग करने में आसानी होगा। और नीचे में आप देख ही रहे हैं ये जो कटल दिख रहा है आपको, आप चाहे तो उस जगह का मेजरमेंट लें। और क्या है, जो डार्ट है फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ से हमें तो पता है कितना है इस जगह का मेजरमेंट, तो हमें 8 इंच इस जगह का मेजरमेंट हमें लेना है। ठीक है, 8 इंच ये हमारा टोटल लेंथ। तो चलिए हम इसके ऊपर ही हम बढ़ाएंगे इसे, कोई बात नहीं है, ये 8 इंच हमें पता चल गया। और ये हम क्रॉस पॉइंट से लेकर हम पहले इसे ऐसे करेंगे, यानी कि ये अगर हमने ऐसे की है, और इस जगह को दो तरीका में बता रहा हूँ फ्रेंड, एक इधर फिक्स देकर आप डार्ट को इधर दे ताकि इस पार्ट में भी ऐसा आएगा और ये थोड़ा सा घूमेगा और इस पार्ट को भी थोड़ा सा ऐसे घूमेगा। ठीक है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड, डार्ट जैसे आप देख रहे हैं ये जो डार्ट, ये आप एक काम कीजिए, ये पहले इस डार्ट को, ये एक डार्ट ऐसा होता है इसको ऐसे रखिए, और मैं बोल रहा हूँ जो डार्ट पैरेलल हो जाए तो इस जगह का थोड़ा सा घूम जाता है और इस पार्ट में भी थोड़ा सा घूम जाता है। तो क्या करना है, सिर्फ ऐसे करना है, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैं बोल रहा हूँ, अगर ये मैंने इस तरह का सीधा करके फिक्स कर दूं तो ये पार्ट तो ऐसे आएगा, ये देखिए, सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, इसे छोड़ दीजिए, अब इसे ऐसे करें, सिर्फ ऐसे करें, यानी कि ये जैसे हमारा सीधा है समांतर है उसी तरह रखें और इस पार्ट को ऐसे बढ़ा दें। ये देखिए ये सीधा होकर, ये देखिए इस पार्ट को ऐसे सीधा आ रहा है, कर सकती है। अदरवाइज आप इसे फिक्स करके, इसे फिक्स कर दीजिए, जो फिक्स पार्ट है इसे ऐसे करें और इस पार्ट को फिर बढ़ा दें और आप इसे ऐसे खींच के देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसे आप ऐसे प्रक्रिया आप पीछे इसे इस जगह को ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक है, आप इस तरह का तरीका से भी आप इसे कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करके, और जैसे कि ये पार्ट है इसे आप देखकर, और जो ये वाला जो पार्ट होता है इसे ऐसे मेजरमेंट लेना है, ये फूल सीधे ऐसे नहीं लेना है। ठीक है, वो ऐसे नहीं होता है,
जो इस तरह ऊपर का जो पार्ट होता है वो ऐसे घुमा कर लेने से अगर आपको मेजरमेंट आ जाएगा तो आपको आसानी से हो जाएगा। और एक टेक्निक इधर दे सकती है आप, जैसे कि अभी दिख रहा है, और दूसरे इधर दे सकती है। और बेसिक तैयार होने के बाद आप ऐसे ऐसे जैसे कि डार्ट मैंने दिखा उसी तरह डार्ट दे देंगे, ठीक है। तो कटोरी आपको ये जिस जो तीनों टेक्निक में आप लोगों को बताया फ्रेंड, तो ये प्रोसीड्यूर है, जैसे कि आप मेथड है, आप ये मेथड को अप्लाई करें। मगर आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है फ्रेंड, जैसे कि आपको हमेशा जो एस होता है ऐसे होता है हमारा जो पार्ट, तो इस जगह का ऐसे ऐसे और यह का मेजरमेंट, ये तीनों आपको मेजरमेंट आपको लाना ही लाना है इस जगह के, ठीक है। जैसे कि हम ये जो बाटी और पटल दे देते थे देखकर करते हैं, तो ये दोनों पार्ट मिलाकर आपको एक पार्ट आता है, तो उसी हिसाब से हम करेंगे। और कटोरी में क्या बोलना है, और ये बहुत ही सिंपल है और कुछ भी नहीं है फ्रेंड, आपको सिर्फ ध्यान में लगना है, कुछ भी करके हमें ये मेजरमेंट लाना है, यानी कि जो एस ब्रेथ यहाँ से यहाँ तक, जो अगर आप 5 दे तो 5, 6 दे तो 6, कुछ भी करके हमें ये ऐसे लाना है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जैसे कि आप दिख रहा है ये पार्ट को अगर ठीक ठाक आप ना कर पाए, ये देखिए ये पार्ट जब सीधा हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए ये सीधा हो जाने से ये क्या हो रहा है, हमें क्या का होता है प्रॉब्लम, ये देखिए ये ऐसे ऐसे करने से ये थोड़ा सा ये चेंजिंग इधर आ रहा है, ये देखिए थोड़ा सा ये घूम गया, किस लिए घुमा, ये डार्ट पोजीशन जो वो ठीक ठाक देना है, तो वो अगर आप ठीक देना चाहते हैं तो किस तरीके से करना है, जैसे कि अभी मैं जो टेक्निक दिखा, आप एक को फिक्स करें और उसके बाद दूसरा इस तरफ आप सारे डार्ट दें, बस वो पार्ट को ले आइए, तब इधर से जाके ये फिक्स्ड हो जाएगा, यानी कि यहाँ का जो डार्ट है वो आप ऐसे करें, अभी मैंने जो दिखा ये आप सीधा करके फिक्स करें, आप यहाँ से लेकर आप ऐसे करें, तो ये पार्ट क्लोज दे दे, बस ये जैसे सीधा वैसे रहेगा, जो पहले दिखा है उस टेक्निक से भी आप कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा होता है, और भी बहुत इसके बारे इसका लॉजिक होता है, तो बाद में किसी दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा, कटोरी का और भी बहुत टेक्निक होता है, तो आप लोग शायद ये करने के बाद वो भी मैं दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा अगर मौका मिले तो। तो आज इतना सही था फ्रेंड, और कुछ भी नहीं बोलूंगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक बटन क्लिक करके लाइक कीजिए, और अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें शेयर कीजिए, और हमारा जो नेट में वो शेयर कीजिए। और एक बात फ्रेंड बता दूँ, जैसे कि बहुत लोगों ने पेन ड्राइव के बारे में पूछा, तो पेन ड्राइव क्या है, जैसे कि एक कैटेगरी में मैंने रखा है सारे डिज़ाइन, यानी कि जो हमारा जो वो जो पेन ड्राइव वाला वीडियो जब जो यूज़ किया जब अपलोड किया है, पिछले वीडियो जितना था, यानी कि ए से एक्स तक जितना डिज़ाइन है हमारा वो ए में है, और बी में सारे टेक्निक उसमें रहेगा, करेंट वर्शन नहीं रहेगा उसमें, करेंट जो जो है वो नहीं रहेगा, इसका वीडियो बाद में आप लोगों को मिलेगा। मगर हमारा जो हाउ टू क्रिएट डिज़ाइन हिमसेल्फ, उस वीडियो के पहले, उस वीडियो से पहले जो वीडियो जितना वीडियो मैंने दिया है सारे टेक्निक वो बी में रहेगा। और सी में क्या रहेगा फ्रेंड, सी में रहेगा जो फैशन डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है, सारे कोर्स नहीं है, हम जैसे कि बोला जो हाउ टू क्रिएट डिज़ाइन हिमसेल्फ, उस वीडियो से पहले जितना दिखा, यानी कि हम सरारा दिखा, लहंगा दिखा, हाउस कोट दिखा, कमीज रम्पर ब्लाउज चूड़ी पैंट कमीज जितना दिखाया मैंने बेसिक का, सारे उसमें रहेगा। और उसके बाद जो जो कोर्स जा रहा है उसका पेन ड्राइव बाद में बनेगा, और बाद में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को, वो आप मिलेगा जो लोग सीखने के लिए, यानी कि घर में बैठकर जो हमारा सीखते हैं फैशन डिज़ाइन, आप जैसे कि नेट में डाउनलोड नहीं कर पाते तो सीखने के लिए प्रॉब्लम हो रहे थे, तो आप वो पेन ड्राइव आसानी से खरीद सकती है, ठीक है, उसका कॉस्ट बहुत ही रिजनेबल है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आप हमें फ़ोन कर सकती है, ईमेल कर सकती है, मैं सारे डिटेल्स दे दूंगा,
तो इस वीडियो में और कुछ नहीं बोलूंगा, आप इसी तरह रिक्वेस्ट करते जाए। आपके कोई भी अगर प्रॉब्लम आए, और ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ फ्रेंड, नेट में जो कुछ है सभी फ्री है, और आप लोगों के लिए मैं जितना आपको रिक्वेस्ट है, अब समझ में ना आए तो मैं दोबारा करूँगा वो वीडियो, जैसे कि ये वीडियो मैं दोबारा बनाया और आप लोगों को समझाया, ये डिस्कस किया है मैंने उसके बारे में, तो और भी आगे जाके हम करूँगा इसी तरह कोई वीडियो, जाके आपको आसानी हो सीखने के लिए और पैटर्न काटने के लिए आसान होगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं बोलूंगा। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।